बस गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना हॉट बन ब्लॉग्स। तो आज हम लोग मैं आज अपना दिखाऊंगा किचन, जो कि मैंने जल्दी बनवाया है अपने लिए, और मेरा पुराना किचन ऊपर है। पुराना दिखाऊंगा फिर आपको नया दिखाऊंगा। तो क्या नया ये है, आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो टाइल्स हैं बाहर के वो नए हैं। इधर अब ओपन किचन रहेगा, ना ही इसमें पर्दा ना ही डोर, और डोर लगेगा भी तो स्लाइडिंग वाला जो कि शीशे वाला आता है। और ये है मेरी ताड़, आपने अक्सर कई टाइल्स की ये सब लगेंगे, लेकिन ये है सबसे अलग एकदम ब्लैक पत्थर, और ये सब लगे हैं जो कि आप देख सकते हैं ये देखिए। और यहाँ पे हमने एक विंडो दे दी है छोटी सी, तो आप देख सकते हैं ये बाहर बारिश भी हो रही है। ये देखिए ये लगे हाइलाइटर टाइल्स, और आपने अक्सर सीन देखी होंगी, और जो कि कर्व शेप में होती है, सर्कल शेप में होती है, लेकिन ये स्क्वायर शेप में आप देख सकते हैं ये देखिए। और ये स्टील की आपको लग रहा है क्योंकि इसके नीचे ये देख सकते हैं आप फाइबर लगा है, ये पाइप है, ये स्टील की जाली है। ये देखिए यहाँ कुछ भर जाती तो आप इस पर निकाल सकते हैं, और ये है जैसे कि आपने कोई चीज़ धुली तो आप इस पर रख सकते हैं, हटा सकते हैं, ये सारा पानी निकल जाता है आप उठा के रख दीजिए। और ये है स्विच, जो कि लगे हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के लिए, और ये लगे हैं मिक्सी ब्लाइंडर ये सब चीज़ें चलने के लिए। और ये है ये तीन, ये है लाइट, ये फैन का, ये है फ्रिज का, जो कि फ्रिज मेरा यहाँ पे रखा जाएगा ये देखिए। और ये 4x4 का है, तो आप भी ऐसा ही बनवाइए, अच्छा है। ये उधर पाइप है, इधर पाइप है, और इसके ऊपर ऊपर सब फर्नीचर बनेगा। ये जो हाइलाइटर है इसके ऊपर इस वाली लाइन से सब ऊपर 4x4 लाइन से फर्नीचर सब बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगेंगी, और जो मैंने आपको ये दिखाया है ये इसलिए लगा दिया क्योंकि ये सीलन ना पाए। और एक बात जरूर और है, यहाँ पे आप वो रैक बना सकते हैं, रैक यहाँ पे सब रैक लगेंगी, यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक सब, यहाँ से यहाँ, क्योंकि इधर लगे सिंक तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ऐसे रैक बनेंगी जैसे कि आप कुछ रख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे गेट होते हैं, गेट लग जाएंगे ये है। तो चलो मैंने आपको पता है कि ये मैंने क्यों बनवाया ये वाला नया वाला किचन, क्योंकि जो मेरा किचन है वो बहुत ही पुराना हो चुका है और अच्छा भी नहीं है वो, तो इस वजह से मैंने ये बनवाया। तो चलो मैं आपको ये दिखा चुका, अब मैं दिखाऊंगा अपना पुराना किचन जो कि ऊपर है वो दिखा। और ये है सेकंड मंजिल पे, और जो ऊपर है वो था थर्ड मंजिल पे, क्योंकि और हाँ वो ऊपर थर्ड मंजिल पे इस वजह से और दिक्कत होती थी, तो इस वजह से ये वाला बनाया। तो चलो मैं आपको अपना पुराना किचन दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा पुराना किचन, देख सकते हैं बस ये इसी के नीचे मैंने जब आपको विंडो दिखाई थी तब देखा होगा वो टंकी। और ये गैस हम लोग बदल देंगे, ये अच्छी नहीं है उस किचन। और यहाँ पे जैसे है ये देख सकते हैं ये सब चमाने है, और ये आगे भी देख लीजिए ये घुमाने वाले, इसमें 18 गैस बर्तन, इस वजह से हम लोगों ने नीचे कर दिया क्योंकि और ये देखे छोटा भी था। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना छोटा है, बस बाहर ये था, और ये सब हमने पोस्टर लगा दिए थे ताकि अच्छा है ये डलिया। और यहाँ पे ना लाइट का कनेक्शन है, ना सिर्फ इन्वेटर से चल रहा है, तो लाइट वाला ये नीचे से तार लाए हैं इन्वेटर का। और ये सिंक आप देख सकते हैं, इससे क्या ये सब बर्तन रखे हैं, और ये सब देख सकते हैं। तो ये देखिए, और इस वजह से मैंने नीचे वाला बनवाया था। तो चलो अब चलते हैं नीचे। तो चलो गाइस जब हम आ चुके हैं नीचे, तो अब मैंने आपको सब बता दिया। और ये मेरा किचन 4x4 का है, 4x4 स्क्वायर, 4 मतलब एकदम 4 सेंटीमीटर का है ये आप देख सकते हैं। ऊपर लगेगा फैन, यहाँ पे एक ऊपर भी पेंट होने को बाकी है, कम्प्लीट हुआ है, तो फिर आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको अपना किचन नया वाला भी दिखा दिया, पुराना भी दिखा दिया, और मैं आपको मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि कोई सी मेरी वीडियो है तो आप तक मेरे तक पहुँच जाए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें वीडियो को। अगर जो कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको ये किचन कैसा लगा, आप क्या ऐसे बनाएं, आप भी ऐसे बनवाएं। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।